हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रिलिम्स में पूछता है, नॉट मेंस में। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता, एक दो ही पूछता है। ठीक है, इसीलिए अगर देखें क्वेश्चन के रूप में, एक है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ओके, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस किससे बोलते हैं? CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं यार? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, जो सीक्वेंस एक के बाद और एक वैसा आता है ना, उसको ही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बोलते हैं। तो अगर देखिए क्वेश्चन में दिया है, गुरु का भागमोक्ष, वाई कोम सत्याग्रह, उसके बाद कोकरी कंस्पिरेसी केस, और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट। ये सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट मीन्स जो इवेंट हो चुका है उसमें कौन सा फर्स्ट हुआ है, कौन सा सेकंड हुआ है, कौन सा थर्ड हुआ है, उसमें हमको देखकर उसमें हमको लिखना है करेक्ट कौन सा ऑप्शन पहले आएगा, कौन सा ऑप्शन दूसरे में आएगा। तो फिर आपको इसमें आंसर भी प्रोवाइड कर चुका हूँ कि पहला नंबर है गुरु का मोक्ष, उसके बाद ये, उसके बाद कंस्पिरेसी केस, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, जो कि नंबर वाइज सीरियली है वही ऑप्शन है। 1 2 3 4 इज ऑप्शन 2 1 2 3 4। आपको इसमें वीडियो के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सप्लेनेशन भी बहुत उतना ही जरूरी है कितना हम इवन मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं? बहुत ही बच्चे या फिर एस्पिरेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, आंसर्स देखते हैं, उनका आंसर एक ही लाइन में फिनिश कर देते हैं। लेकिन जब वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिलेट आएगा तो फिर वो छोड़ देते हैं। ठीक है, दे यूजुअली लीव द क्वेश्चन। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लीविंग द क्वेश्चन? इट इज ओनली बिकॉज दे ओनली राइट ए सिंगल लाइन आंसर व्हेन एवर दे आर गोइंग फॉर एनी प्रैक्टिस टेस्ट। यूजुअली दैट्स द रीजन व्हाई फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई एम प्रोवाइडिंग द एक्सप्लेनेशन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर देखें एक्सप्लेनेशन, इफ यू डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट इज द पीसफुल वायलेंट मोर्चा, एगेशन ऑफ गुरु का भाग वॉज लॉन्च्ड टू इम्पासेशन ऑफ गुरुद्वार। यूजुअली गुरु जो भी है वो सिख गुरु को ही सिग्निफाई करता है। ठीक है, वो किसके लिए वो मोर्चा या फिर सिचुएशन हुआ है या फिर क्रिएट हुआ है, वो किसके लिए हुआ था, वो है गुरु का भाग, जो कि गुरुद्वार सभी फॉर द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ मंथा सुरेंद्र देसी दास इन 1922। ठीक है, 1922 में वो स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ मंथन सुरेंद्र दास जो कि होल्ड किया है, फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ मंथा सुरेंद्र दास इन 1922। नेक्स्ट, वाइकोम सत्याग्रह, व्हाट डू यू मीन बाय वाइकोम सत्याग्रह, व्हिच हैज बीन देयर इन 1924 से लेकर 25 तक हुआ था। वाइकोम सत्याग्रह में क्या है, वाज सत्याग्रह सोशल प्रोटेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं सोशल प्रोटेक्ट में कौन कौन सा आएगा, यूजुअली जब अगर हम सोशल में थोड़ा कुछ अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया, तो फिर सोशल क्या होगा, सोशल प्रोटेस्ट होगा। अंतर क्या, अंतर मींस अगर एक वायलेशन ऑफ सोशल एक्ट, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल लेंगे, तो इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, if something happened in the municipal corporation then it is a social issue. Okay, in the similar fashion anyone goes for different kinds of deforestation,
ओके विदाउट एफॉरेस्टेशन, दीज आर कॉल्ड सोशल इश्यूज. ओके इन सिमिलर वे वट एवर टॉपिक्स विच एवर वी गोइंग टू डिस्कस इन अबाउट आवर सोशल साइंस और सोशल स्टडीज, दोज ऑल इफ इट गोज टू नेगेटिव पोर्शन देन वी विल डेफिनेटली से दैट इट इज ए सोशल प्रोटेस्ट. ओके इन द सिमिलर फैशन वाइकोम सत्याग्रह इज ए सोशल प्रोटेस्ट. ओके उसके बाद ट्रावनकोर वॉज नाउ पार्ट ऑफ केरला अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हिंदू. ठीक है, ये किसके लिए सिग्निफाई किया है, डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनटचेबिलिटी को सिग्निफाई करने के लिए ये सत्याग्रह का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ कहाँ पे, ईस्ट वेल तिरुवनंतपुरम जो कि केरला मीन्स त्रिवनकोर जो कि नाउ पार्ट ऑफ केरला में है. ठीक है, सेंटर्ड अराउंड श्री महादेव टेम्पल इन वाइकोम. ठीक है, वाइकोम द मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मूवमेंट वॉज सेंटर्ड अराउंड द श्री महादेव टेम्पल में वो स्टार्ट हुआ था. कहाँ पे स्टार्ट मीन्स सोशल प्रोटेस्ट जो कि अनटचेबिलिटी को सिग्निफाई करता है. बहुत ही राजा राममोहन राय से लेकर अभी अन्ना हजारे तक वो बहुत मीन्स अपना सोशल प्रोटेस्ट करप्शन वो सारा सोशल प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं, तो फिर उस समय भी वो अनटचेबिलिटी का एक योगदान रहता था. ठीक है, उसके बाद कंस्पिरेसी. कंस्पिरेसी केस क्या है, द कंस्पिरेसी ऑफ वॉज ए ट्रेन रॉबरी दैट टुक्स प्लेस बिटवीन करौरी नियर लखनऊ इन अगस्त 1925 ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ठीक है, एक रॉबरी है, द रॉबरी ऑर्गेनाइज बाय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन RHRA के दौरान जो भी रॉबरी हुआ था या फिर कंस्पिरेसी हुआ था जो कि 9 अगस्त 1925 में जो हुआ था उसको ही हम क्या बोलते हैं, ककोरी कंस्पिरेसी केस. ठीक है, लास्ट नंबर टॉपिक जो कि नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट भी हम डिस्कस कर देंगे. ठीक है, आपको तकलीफ नहीं होगा. नेहरू रिपोर्ट में क्या है, नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928. सो फिर अगर आप ध्यान रखोगे जो भी है वो 1920 से लेकर 1930 के बीच में ही वो जो भी क्रोनोलॉजिकल मेंटेन करने के लिए बोला था वही इसमें किया है. ठीक है, वॉज ए मेमोरेंडम आउटलाइनिंग द प्रोसीजर न्यू डॉक्यूमेंटेशन स्टैच्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई द कमिटी ऑफ ऑल पार्टीज. ठीक है, इसमें क्या है, मोतीलाल नेहरू के अंडर और चेयरमैनशिप के अंडर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है. उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन ही नेहरू रिपोर्ट के दौरान आ गया है जो कि 10 अगस्त 1928. ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, धन्यवाद.